पंजाब में सियासी पारा हाई हो गया। सूबाई असेंबली को ताले लग गए, खारदार तारे लगा दी गई। अपोजिशन ने इजलास होटल में बुलाकर वोटिंग करा ली। मुत्तहिदा अपोजिशन के अलामती इजलास में हमजा शहबाज वजीर आला मुंतखब, हमजा शहबाज को 199 वोट मिले। मरियम नवाज कहती हैं आज होने वाला इजलास अलामती नहीं था, कानूनी और आइनी था। पी टी आई ने अपने ही डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मोहम्मद बजारी कहते हैं कि मेरे इख्तियार वापस नहीं लिए जा सकते, ये बौखलाहट का शिकार हैं, हौसले खो बैठे हैं। पीटीआई नहीं छोड़ी, पीटीआई मुझे छोड़ना चाह रही है। अलीम खान बोले तहरीक इंसाफ पंजाब में भी भाग चुकी है, हम डटे हुए हैं, पीछे नहीं हटेंगे। आइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, जमहूरियत के लिए मुनासिब नहीं। जहांगीर तरीन 12 अप्रैल को वतन वापस पहुंचेंगे। ओन चौधरी ने तस्दीक कर दी, कहते हैं कि जहांगीर तरीन अब सेहतमंद हैं, वतन वापसी पर बाकायदा सियासत का आगाज करेंगे। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में 15 रोज के लिए रेंजर्स तलब कर ली, नोटिफिकेशन जारी। पंजाब असेंबली के अतराफ में दफा 144 नाफिज कर दी गई। अमन अमान खराब करने पर किसी भी शख्स को हिरासत में लिया जा सकता है। बज़ाहिर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होने जा रही थी, आखिरी दिन आईनी अमल को रूलिंग से ख़त्म किया गया। रूलिंग इल्ज़ामात पर मबनी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के सियासी सूरत हाल असखुद नोटिस केस में रिमार्क्स, कहा स्पीकर को आईनी तहफ़ हासिल है लेकिन जो हुआ उसकी मिसाल नहीं मिलती। जहाँ आईनी खिलाफवर्जियाँ हों वहाँ सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत कर सकती है। जस्टिस जमाल खान ने कहा अगर किसी ने गद्दारी की तो पूरी असम्बली ही उड़ा दी गई। समात कल तक मुलतवी। अदालत के पास मौका है, माजी के दाग धोले। नजरिया ज़रूरत के तहत कोई फैसला दिया गया तो रद्दअमल देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का जारहाना बयान, कहा हमें गद्दार कहा जा रहा है, इसका जवाब सामने आना चाहिए। अदालत को तजवीज़ दी कि DGISI को भी बुलाकर सुना जा सकता है। इमरान खान ने अपनी सियासत बचाने के लिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड खेला, मुत्तहिदा अपोजिशन का जो काम था वो मुकम्मल हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।